YouTube फैमिली वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के और बज रहे हैं दोबारा दस। से मैं भी हूँ क्या हुआ? दोबारा से मैं भी हूँ। आज सुबह भी मेरे साथ है और इसको खाने हैं आलू की टिक्की। तो अभी तो हम जा रहे हैं मार्केट और जाएंगे वहाँ पे आलू की टिक्की खाएंगे। क्यों खाना है ना? पैसे लाए कि नहीं? लालची इंसान, इनकम टैक्स वालों की रेट कर दूंगा। ठीक है फिर चलें। चलो। और अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं और हमारा अभी यहाँ गरम पकोड़े ही थे तो पकोड़े खाएंगे ना। हाँ। पकोड़े ही खाएंगे। चलो फिर खाओ, इंतजार किसका कर रहे हो? इंतजार सारे का कर रहा हूँ कि कब। अभी तो हम लोग पकौड़े खा के वापस आ गए। पकौड़े अच्छे थे कि नहीं? चटनी चटनी मीठी के साथ अच्छी लग रही थी, तीखी होनी चाहिए थी। पकौड़े ठंडे हो गए थे ना, इसीलिए नहीं अच्छी लगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमसे बोले कि तुम नहा के आओ चले जल्दी से। मैं तो तुरंत चला गया, मैंने रास्ते में बताया नहीं। हाँ यार, ये भी इतनी सारी गाय है, अब किस किस को रोटी खिलाते बैठूं मैं। तो तुम्हें रोटी किसने कहा था कि जाके खिलाओ? मलकिन नानी ने। अच्छा, तो तुमको बोले कि जाके? यार मतलब तुम दिल्ली से आए हो, यहाँ रोटी खिला रहे हो, तुमको बोले कि चलो पकौड़े वो टिक्की खा के आते। टिक्की तो थी नहीं, पकौड़े थे, वो भी ठंडे हो चुके थे। लेकिन मस्त लगा ना, मजा आ गया था। मजा तो आ गया था। चलो पकौड़े खा लिए, फिर चलेंगे शाम को। शाम लेकिन इस बार पैसे तुम ही दोगे, मम्मी से तुम ही लेके आओगे। मम्मी गिव मी 10 रुपीज। नहीं, मम्मी बोलते जो मासी जी ने 20 रुपीज दिए थे वो का, मैं कहता हूँ नहीं मिल रहे, मैंने वही रखे थे। तो मम्मी कह रहे अब तुम्हारी गलती ना, जाओ ढूंढो। यार पैसे गुम हो गए ना। लेकिन शाम को यार टिक्की कैसे खाएंगे फिर? टिक्की तो सुबह खा ही नहीं पाए क्योंकि गए थे टिक्की खाने के लिए और खाए पकौड़े। ये शाम की बातें, शाम को चलेंगे ठीक है। अभी तो अभी तो अभी तो पहला काम मेरे पास ये, मैंने कपड़े भिगो के रखे, उसको धुलना है। खाने में सिर्फ मैंने दाल बनाई हुई है, चावल बनाना है, अभी रोटी बनानी है। सब्जी बना चुके हैं, दाल और सब्जी बना चुके हैं, रोटी और चावल बनाना है। तो पहले नहाएंगे, नहीं पहले कपड़े धुलेंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तुम क्या कहते हो? मैं तो कहता हूँ पहले खाना खा के फिर सारा काम करो। अभी खाना तो बना ही नहीं यार, तो पहले खाना बना के फिर खा के फिर काम करो। हाँ ये भी सही, फिर बीच में भूख लग जाए तो क्या। नहीं नहीं ये सही करो, यही करेंगे, यही करते हैं। तो चलो फिर करते हैं। अभी हम पकौड़े खा के आए और फिर से आए हैं दुकान पर। क्या लेने के लिए आए थे? तुम क्या लिए हो? चिप्स। इधर तो दिखाओगे तभी तो पता चलेगा। चिप्स लिए ना, और मैंने अपने लिए लिए इतनी सारी टाफियाँ, मतलब 30 टाफियाँ, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठता हूँ ना तो मुँह में कुछ होता है तो अच्छा लगता है, मतलब अलग कंसनट्रेट रहता है, इसलिए मैंने लिए टाफियाँ। और अभी चलते हैं अपना काम करते हैं। ये और कपड़े भी सूख चुके हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे साथ तो सूप था एक छोटा सा लड़का, तो वो मुझसे गुस्सा हो गया। जो हमने शाम की प्लानिंग बनाई थी आलू की टिक्की खाने जाने के लिए, तो वो कैंसिल हो चुकी है। बात ये हुई ना कि वो अपने नानी के यहाँ घूमने आया हुआ है दिल्ली से, तो उसके घर में शादी थी और आज उसके घर वाले चौथी लेकर जा रहे थे, तो वो मेरे साथ मार्केट चला गया था इसलिए वो जा नहीं पाया उनके साथ।
लौटने पर जब उसकी मम्मी ने उसे बताया कि तुम्हारी बहन गई चौथी लेकर, तो वो रोने लगा और वो सारा रीज़न मुझे मानता है कि मेरी वजह से वो चौथी लेकर नहीं जा पाया, तो इसलिए इस बात से गुस्सा हो गया। तो उसने कहा कि अब मेरे पास वो नहीं आएगा। मैंने कहा कि शाम को चलेंगे, लेकिन अब वो आ नहीं रहा। तो हमारा शाम का सारा प्लान कैंसिल हो चुका है और कल देखेंगे, कल बुलाएंगे। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बुरी बात है। खैर चलते हैं, कपड़े उठा लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। शाम हो चुकी है और रोज की तरह आज भी फिर से वही कार्यक्रम। चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं और वीडियो भी एडिट करनी है। वीडियो भी एडिट करके अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी कमियां होंगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।